आज किसान आंदोलन का 70वां दिन हो चुका है, 70 दिन में प्रवेश कर चुका है किसान आंदोलन। आपको बड़ी खबर इस वक्त ही बता देते हैं कि किसान आंदोलन का 70वां दिन है, जानकारी फटाफट से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हरियाणा के जिंद में आज किसान महापंचायत होने जा रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगी और 50,000 लोगों के जुटने का अनुमान भी जताया जा रहा है कि उस महापंचायत में 50,000 लोग जुटेंगे। 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान भी किया गया है किसानों की तरफ से। और किसान आंदोलन का लगातार जब हम जिक्र करते हैं तो आज 70 दिन हो चुके हैं और महापंचायत जिंद के अंदर होने जा रही है, क्योंकि जिंद वही जगह है जब 19 साल पहले भी किसान आंदोलन को लेकर हलचल हुई थी, आंदोलन हुआ था, यहां तक कि जिंद के अंदर गोलियां भी चली थी। और आज एक बार फिर जिंद के गांव के अंदर ही महापंचायत होने जा रही है और उसमें राकेश टिकैत भी शिरकत कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद राकेश टिकैत पहुंचेंगे और महापंचायत को संबोधित करने का काम भी किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, हरियाणा का जिक्र करें तो खास पंचायतें महापंचायतें हो रही हैं और किसानों के समर्थन में लोग जुट रहे हैं और किसान आंदोलन लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने गाजीपुर बॉर्डर की है, सिंगू बॉर्डर की है, जब बैरिकेडिंग लगा दी गई है और नुकीली कीलों का इस्तेमाल किया गया है, कटीली तारों का इस्तेमाल किया गया है, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। और ये जिंद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब जिंद के अंदर तैयारी पूरी कर ली गई है इस महापंचायत की और तकरीबन 12 बजे से ये महापंचायत शुरू होनी है, क्योंकि राकेश टिकैत की मौजूदगी कुछ देर बाद आप इस मंच पर देखेंगे और राकेश टिकैत संबोधित करते हुए नजर आएंगे आम जनता को। और साथ ही साथ जो लोग पहुंच रहे हैं महापंचायत के अंदर, इस वक्त की ताजा जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हरियाणा के अंदर कैसी सिचुएशन इस वक्त बन सकती है, क्योंकि 50,000 लोग जुटेंगे, अनुमान ये जताया जा रहा है कि 50,000 लोगों की मौजूदगी होगी और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जब किसान लगातार जिक्र कर रहे थे हरियाणा के जिंद के, तो किसानों की तरफ से कहा गया था कि 50,000 से ज्यादा की संख्या हो सकती है और जब संख्या बढ़ेगी तो साफ तौर पर ये जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन है वो संभलती हुई नजर नहीं आ रही। किसान और सरकार के बीच रार बरकरार है और कहीं ना कहीं जो रार है वो कब खत्म होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहेगा और आगे आने वाले समय में, यानी अक्टूबर से ज्यादा भी आंदोलन जारी रह सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और अगर हुआ तो अगले साल तक भी ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं झुकती, जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती। ये किसान नेताओं की तरफ से कहा गया, खासकर राकेश टिकैत की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 26 तारीख को हुआ उपद्रव हुआ उसके बाद किसान आंदोलन की उम्र धीरे धीरे कम होने लगी, किसानों का बॉर्डर एरिया से जमावड़ा कम होने लगा, लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके से सामने आए और राकेश टिकैत के आंसू जैसे ही गिरे वैसे ही किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का पहुंचना हुआ। और बात अगर हम हरियाणा की करें तो हरियाणा के अंदर आज जिंद में महापंचायत होने जा रही है और इस महापंचायत में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि कृषि बिलों को जब तक रद्द नहीं किया जाता जब तक किसान एक भी एरिया से नहीं हटेगा। सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर हरियाणा के अलग अलग इलाके हो, हालांकि अगर हम पंजाब हरियाणा का जिक्र करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला चुके हैं, हरियाणा का जिक्र करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सरकार को ये समझना चाहिए था कि अगर इस बिल को लाने से पहले ही किसानों को समझा दिया जाता तो शायद ये स्थिति आज ना होती। रास्ता जो दिल्ली पुलिस ने दिया उस रास्ते पर उस दिन भी बैरिकेटिंग थे और दिल्ली जाने वाले रास्ते खोले गए कि किसान दिल्ली में घुसे, ये कौन सा षड्यंत्र था, इनकी जांच होगी, कौन सी एजेंसी से इसकी जांच हो, तथ्य सब हमारे पास में है कि लोगों को दिल्ली जाने का रास्ता दिया गया और जो रास्ता रूट दिया गया उस पर बैरिकेटिंग करी गई।
6 फरवरी को चक्का जाम करने की आप लोगों ने बात, वो है उसके माध्यम से एक ज्ञापन जाता है सरकारों को, उसके माध्यम से जाता है। तो ये चक्का जाम किस तरीके से होगा, शांतिपूर्वक होगा? नहीं नहीं, हम शांति से ही हम काम करें, वैसे थोड़ा करें भाई। हमने यहाँ बैठ के अधिकारी आगे उसको हमने ज्ञापन दे दिया कि ये हमारी जो दिल्ली की डिमांड है ये है, इस पे काम करो। लेकिन अगर बात की जाए टिकैत जी, 27 तारीख के बाद से आंदोलन जो कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया था वो काफी, नहीं नहीं कोई आंदोलन कभी आंदोलन हल्का नहीं था जी। अगर गांव के लोग अपने खेत में चले गए तो उसको हल्का मानते होंगे। यहाँ क्या करे सब लोग, अपना खेत का काम भी देखना है, अपना रोजी रोटी है वो भी देखने है। शांतिपूर्वक ढंग से इस पूरी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि पूरी तरह से डिग है कि 3 कानून है उसको वापस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो ये एक जो लोगों से चुनी हुई सरकार का रवैया इस तरह का नहीं होता है, ये वो ही तरह के रवैया जो अपना रहे हैं, क्योंकि अत्यंत खेदजनक।